आदाब, आज इफ्तार स्पेशल में हम तैयार कर रहे हैं एग चिकन पकौड़ा। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त बना है, इसका टेक्सचर आप देख लीजिए और कितनी परफेक्ट इसकी शेप आई है और बहुत ही सकुलेंट है, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। हमारे तरीके से आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। घर में हमारा तो ये सबका ये फेवरेट है, मैं इस रमजान में कई बार बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है और हाई प्रोटीन है इसलिए सब लोगों को ये बहुत पसंद आता है। तो चलिए फटाफट में दिखा देती हूँ कि एग चिकन पकौड़ा मैंने किस तरह से तैयार किया है। यहाँ हमने एक बड़ा चॉपर ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। एक बड़ी प्याज हमने रफली चॉप कर ली है और चार हरी मिर्च हैं, इनको हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना लिया है, आप चाहें तो पुदीना छोड़ सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिएगा। यहाँ हमने बोनलेस चिकन लिया है, उसको हम डाल देते हैं। 400 ग्राम के आसपास है, नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। यहाँ हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं, इससे कबाब जो है बहुत सॉफ्ट तैयार होते हैं। 1 टेबल स्पून के आसपास डाला है। यहाँ इसको हम चॉपराइजर में कर लेते हैं। हमारा कोफ्ते का बैटर है वो तैयार हो गया है, इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो चिकन को कोफ्ता है उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। आधा जो मैंने निकाला है उससे मैं करी में तैयार करूंगी, यानी कि कोफ्ता करी बनाऊंगी व्हाइट चिकन ग्रेवी में, जिसका भी वीडियो मैं डालूंगी। और थोड़ा सा मैंने उसमें से रोक लिया है जिसमें हम इस तरह से कोफ्ते तैयार करेंगे। तो मैंने बॉइल्ड अंडा ले लिया है, आप चाहें तो इसको पूरे में बना सकते हैं, आप चाहें तो हाफ हाफ में बना सकते हैं, आप चाहें तो और इसको आधा करके इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम तैयार करेंगे और इनको कबाब में फिल करेंगे। यहाँ मैंने हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लिया है हथेली को, और इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें कीमे का पेस्ट लेंगे और इस तरह से इसमें इसको फिल कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। सिंपल है बस, आप चाहें तो इसको फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, या सीधे आप इसको जो करी बनाएंगे आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। तो बहुत तरीकों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके चिकन अंडा कोफ्ता तैयार हो जाएगा। और से यहाँ दिख रहा है तो इस पर हम ऊपर से और लगा देते हैं, इस तरह से इसको कवर कर देते हैं। कितना बढ़िया तरीके से सेट हो गया, कोई कह नहीं सकता कि इसमें हमने अंडा भरा है। तो आपके बढ़िया से चिकन एग पकौड़ा तैयार हो जाएगा जो कि बहुत ही लजीज बना है, आप इसको जरूर मेरे तरीके से ट्राई करिएगा। चलिए हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं। हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, मीडियम हॉट पे हमें डालना है, बहुत ज्यादा तेल हमको गर्म नहीं करना है क्योंकि हमें ये चिकन को गलाना भी है, इसलिए हम लो फ्लेम पे करेंगे। तो यहाँ अब इसको हम टच नहीं करेंगे, सिंपली इसको हम ऐसे ही तेल को घुमा देंगे ताकि ऊपर नीचे पूरा तेल इस पर आ जाए, और धीरे धीरे आप देखेंगे खुद ही इसको इस तरह से हिलाने पे ये खुद ही सारे पलटने लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनकी बढ़िया से शेप आ गई है, टूटे भी नहीं है और परफेक्टली बिल्कुल कुक हो रहा है। बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे आपने इसको करना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है और 7-8 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से कुक हो गया है। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे करना है और 7 से 8-10 मिनट तक आप इसको पकाइएगा ताकि चिकन जो है अच्छे से पक जाए, उसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। इसलिए आपको लो फ्लेम पे बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि लो फ्लेम पे आपको इसको कुक करना है। तो ये अब हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं एग चिकन पकौड़ा तैयार हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। आप इसकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। मैं आपको एक बार काट कर भी दिखा देती हूँ, बहुत गर्म है इसलिए थोड़ा टच करने में दिक्कत आ रही है। ये देखिए कितना परफेक्टली कुक हुआ है। तो बढ़िया से हमारे एग चिकन पकौड़े तैयार हो चुके हैं, बनाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने लोगों को भी बढ़िया सी रेसिपी मिले तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें लाइक्स और कमेंट्स देते हैं, उनसे हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।